गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं देखिए ठंड के मौसम में खासकर लेडीज के लिए ये सॉक्स लेकर आई हूँ आप सभी के लिए, आप सभी के साथ शेयर करने के लिए। देखिए काफी इजी है और ये बहुत कम समय में ये बनकर तैयार हो जाता है। आप चाहेंगे तो आप एक दिन में भी बनाकर इसे रेडी कर सकते हैं और पहन सकते हैं। तो चलिए इसे हम बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। इसे जब बनाने स्टार्ट करेंगे, देखिए यहाँ पर हमारी स्टिच है, यहाँ से हमारा बनना स्टार्ट होता है। और ये जो है, मैं ये जो अभी मैं बताऊंगी साइज या मेरे हाथ में जो भी है, ये हमारे 7 से 8 नंबर के पैर के लिए है। आप यदि इससे छोटे बनाना चाहते हैं तो आप इसमें जो है जितने फंदे में मैं डालूंगी इसमें भी, उसमें से कम आप 5 से 6 फंदे आप कम करके बनाएंगे तो आपके ये फिर 5 से 6 नंबर तक आ जाएंगे। तो चलिए इसे अभी तो फिलहाल मैं 8 नंबर ही बता रही हूँ, 7-8 की, तो इसे ही बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले जो है 40 फंदे डालूंगी एक निडिल में, मैं नॉर्मल जैसे भी आप देते हो आपको 40 फंदे डालने हैं। देखिए मैं इजीली जैसे भी आप फंदे डालते हो आसानी से आप इस तरह से, एक बार मैं देख लेती हूँ हमारे 40 फंदे हुए हैं या नहीं, लगभग हो चुके होंगे। हुआ 22 जा 40, ये एक फंदा एक्स्ट्रा था हमने निकाल दिया। अब यहां से हम जो है सारे फंदे को हम उल्टा उल्टा बुनेंगे, दोनों साइड से हम सारे फंदे को हम उल्टा उल्टा बुनकर 7 रो तैयार करेंगे पर्ल वाली। देखिए इस तरह से ये फर्स्ट लाइन अपनी बन गई है, बुनाई हो चुकी है। ये फर्स्ट लाइन बनने के बाद सीधी साइड से देखिए एक ये पर्ल लाइन अपना बनकर तैयार हुआ है। अब जब उल्टी साइड में हम आएंगे तो इधर से भी हम उल्टा उल्टा ही बुनाई करेंगे, इधर से भी हम उल्टी उल्टी ही बुनाई करेंगे। तो दोनों साइड से हम उल्टी उल्टी बुनाई करते हुए टोटल हम जो है 14 रोज बनाएंगे, जिसमें हमारे 7 जो है पर लाइन हमारी बनकर निकलेगी। तो 7 ये पर लाइन हम बना लेते हैं पहले, फिर आगे देखते हैं आगे कैसे फिर बनाना है। ये देखिए ये 7 पर लाइन अपनी बनकर तैयार है, यहां से 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 7। अब इसी तरह से हमें एक और इसे बनाना है जिसमें 40 फंदे हम डालेंगे और 7 पर लाइन बनाएंगे, ठीक इतना ही। और इसी तरह से जो मैंने देखिए बना लिए हैं, ये इस तरह से बनाएंगे। तो ये दोनों इधर से मैंने इसे बनाकर धागे काट लिए हैं और इधर वाले में हमारे धागे मतलब लगे हुए हैं। अब देखिए इसे हम इस तरह से ज्वाइंट करेंगे। तो पहले यहां से हम स्टार्ट कर लेते हैं जिसमें हमारे थ्रेड लगे हुए हैं। पहला फंदा हम देखिए स्लिप कर लेते हैं, आप यदि बुनाई की आदत में है तो बुनाई भी कर सकते हैं। उसके 2 फंदा हम उल्टा बुन लिए, धागा पीछे करेंगे और ये जो तीसरा फंदा है ये देखिए ये वाले फंदे में हमें नहीं बुनाई करनी है, इसके नीचे के होल में डालकर हम 1 फंदा हम आगे कर लेंगे और यहां से 5 फंदा उल्टा बुन लेंगे, 1, 2, 3, 4 और ये 5। 5 फंदा उल्टा बुनो, धागा पीछे करेंगे और ये 6ठे फंदे में हम ये नीचे वाले होल में डालकर हम 1 फंदा सीधा बुन लें। फिर से धागा आगे करेंगे,
पांच फंदा उल्टा बुनेंगे, एक दो तीन चार और ये पांच, पांच फंदा उल्टा बुना, धागा पीछे करेंगे और ये नीचे वाले होल में डालकर ये छठे फंदे को हम ऐसे सीधा बुन लेंगे। धागा फिर से आगे करेंगे, पांच फंदा हम दो तीन चार पांच, पांच फंदे उल्टे बुने, धागा पीछे करेंगे और नीचे छठे वाले फंदे में नीचे के होल में डालकर हम एक सीधा फंदा बुन लेंगे। फिर इसी तरह से हम, हमारे पास जितने भी फंदे होंगे हम इस रो को कंप्लीट करेंगे। तो इसके साथ साथ हमें दोनों पार्ट को ज्वाइंट भी करना है। देखिए यहाँ पर सीधा फंदा बुना है, एक दो तीन चार और ये पांच फंदा उल्टा, धागा पीछे और छठे फंदे में हम नीचे के होल में डालकर सीधा, एक दो तीन चार पांच, धागा पीछे करेंगे। और अब यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर तो हमारा ज्वाइंट हो रहा है और छठे फंदे में हमारा यहाँ पर सीधा भी बनाना है। तो इन दोनों फंदों को देखिए, ये लास्ट का हमारा ये फंदा, ये हमारे लास्ट का फंदा और ये स्टार्ट का फंदा, इन दो फंदों को हम ऐसे बुनेंगे। देखिए यहाँ पर से ये वाले थ्रेड से हम बुनेंगे और ये वाले जो थ्रेड हमारे इसके हैं पहले वाले के, पहले हम इसे सीधा बुन लेते हैं। देखिए एक फंदा सीधा बुना, हमने दोनों फंदे को छोड़ा नहीं है और फिर से हम आगे वाले में डालकर, दोनों फंदों में डालकर फिर से एक फंदा सीधा बुन लेंगे। तो इस तरह से हमारे दो फंदे के दो फंदे हमारे निकल गए हैं। देखिए फिर से एक बार, पहले बैक लूप से हम ऐसे सीधा बुनेंगे, ठीक है, और फिर ये फ्रंट लूप से हम दोनों फंदा को सीधा बुनेंगे और इस तरह से हम अब फंदे को छोड़ सकते हैं। अब हम, अब देखिए यहाँ पर दो के दो फंदे हो गए और सीधी भी बुनाई हो गई है और एक फंदा हमारा अगला स्टेप के लिए भी बुना गया है। तो यहाँ पर एक फंदा सीधा हुआ और एक फंदा हम ये उल्टा वाला मानकर चल सकते हैं। तो एक फंदा हमारा उल्टा हो गया, अब दूसरा फंदा हम उल्टा बुनेंगे और ये वाले जो धागे हमने कट किए हैं इसे भी सेव करना है। तो मैं इस तरह देखिए कैसे करती हूँ, आप कहीं भी कर सकते हैं, छोटे छोटे टिप्स मैं बताती रहती हूँ बीच बीच में। तो दो फंदे हमारे उल्टे हो गए और ये वाले धागे को पीछे कर दीजिए और फिर मैं धीरे धीरे बताऊंगी उधर पे कैसे करना है। तीन चार और ये पांच, पांच फंदे हो गए, धागा पीछे और फिर ये नीचे वाले होल में डालकर एक फंदा सीधा, बाकी के सारे फंदे को इसी तरह बुनना है। पांच फंदा उल्टा और छठे फंदे में हम नीचे वाले होल में डालकर हम सीधा बुन लेंगे। यहां तक, यहां तक हमारी बुनाई हो गई और यहाँ जो छठे फंदे की लास्ट हमारी बुनाई हुई है, ये सीधे फंदे, उसके बाद हमारे पास चार फंदे रह गए थे तो मैंने चार फंदे उल्टे बुन दिए, कोई बात नहीं है। और इधर भी हमारा जो है ये स्टिच होगा तो फिर हमारा एक जैसा दिखने लगेगा और यदि एक दो फंदे कम या ज्यादा है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से अब हम उल्टी साइड में आते हैं, उल्टी साइड में भी ये सारे फंदे हम उल्टा उल्टा बुनकर कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर तक बुनाई करते करते जब हम यहाँ आते हैं तो ये देखिए हमारे बीच वाले जो ये धागे थे जो हमने कट किए थे दो पार्ट के लिए, इन धागों को हम अच्छे से सिक्योर कर देते हैं ताकि खुले नहीं या फिर ऑड नहीं लगे देखने में। और अब कोई एकदम नजदीक से आप कट भी नहीं कर सकते हैं, वो सही नहीं रहता है। तो मैं देखिए इस तरह से इसे सिक्योर कर देती हूँ। ये देखिए धागा आगे किया और एक फंदा बुना, फिर एक बार हम इन धागों के ऊपर से इधर से कर दिया, इधर से ऐसे, फिर एक बार हम देखिए इस धागों को ऐसे लाया, इसके ऊपर से बुन दिया, फिर धागा पीछे किया ऐसे और इसके ऊपर से बुन दिया। इस तरह से हम जब तक धागे रहेंगे, या ज्यादा लंबे हैं तो थोड़ा सा कट भी आप कर सकते हैं, या दो दो फंदे के बाद भी आप अप डाउन कर सकते हैं। देखिए दो फंदे किए, उसके बाद फिर देखिए इधर किया, फिर से दो फंदे हम बुन लेते हैं, दो फंदे और फिर ऐसे कर दिया। इसी तरह से हम सारे फंदे को बुनकर और इन फंदों को हम, ये वाले धागे को हम अच्छे से सिक्योर कर देंगे।
ये देखिए उल्टी साइड वाले भी सारे फंदे हमने उल्टे उल्टे बुनकर कंप्लीट कर दिए। तो अब ये देख लीजिए, आपको टोटल जो है यही ये दो लाइन जो मैं अभी भी बुनाई की हूँ, सीधी साइड से ये उल्टी साइड से, इन दो लाइन को हम बार बार रिपीट करते हुए ये पर्ल वाली लाइन यहां से ये सात लाइन छोड़कर टोटल हमें जो है 12 लाइन बनाने हैं। इसी तरह से पांच फंदे या छठे फंदे में ये सीधा फंदा हम बुनेंगे एक नीचे के होल में डालकर, फिर पांच फंदे, फिर छठे फंदे में हम नीचे के होल में डालकर हम सीधा फंदा बुनेंगे, और इसी तरह से हम उल्टी साइड से हम सारे फंदे को उल्टा बुन लेंगे। तो इन दो लाइन को बार बार रिपीट करते हुए हम जो है 12 लाइन बनाएंगे। 12 लाइन में जिसमें हम 8 लाइन जो है इससे बनाएंगे, ये फर्स्ट कलर है, और मैं इसमें सेकेंड कलर भी ऐड की हूँ, आप देख रहे होंगे इसमें मैं ये सेकेंड कलर भी ऐड की हूँ। तो ये सेकेंड कलर में नौवीं लाइन में कम मतलब लगाऊंगी, इसे स्टार्ट करूंगी और उल्टी साइड से हम इसे ज्वाइंट करेंगे। उल्टी साइड से जो है हम सेकेंड कलर हम ऐड करेंगे, और ऐड करने के बाद चार पर लाइन और बना लेंगे। तो टोटल हमारे पास दोनों फर्स्ट कलर और सेकेंड कलर दोनों मिलाकर जो है 12 पर लाइन हमारी बन जाएगी। टोटल हमें जो है 24 रोज उल्टी सीधी मिलाकर हमें 24 रोज बनानी है। तो जिसमें मैंने 2 रोज बना लिए हैं और 22 रोज और मैं बना लेती हूं। देखिए हम 22 रोज बना लिए हैं। अब 23 रोज में देखिए थोड़ा सा क्या करना है, थोड़ा सा इसमें एक लिप शेप हमने बनाए हैं उसमें वही उसमें बनाना है। तो ये देखिए ये जो चेन हमने बनाए हैं, तीन फंदे हमने सीधे सीधे उल्टे उल्टे बुने, पहला फंदा हमने स्लिप किया और दो फंदा हम उल्टा उल्टा बुन लेंगे, और जब हम ये चेन के वाले जो ये फंदे हैं उसे पांच फंदे नीचे देखिए 1 2 3 4 और ये पांच चेन नीचे हम निडिल डालेंगे और यहां से एक फंदा निकालेंगे और इस फंदे को खींचकर थोड़ा सा इस तरह से कर लेंगे जिस तरह से हमारी निडिल जो है अच्छे से सीधी हो जाए। एक फंदा हुआ, अब फिर ऊपर वाले चेन में लाएंगे, देखिए ये ऊपर वाले चेन से फिर अब एक फंदा निकालेंगे तो हो गया, फिर ये तीसरा तीन फंदे निकले, फिर ये ऊपर वाले हर बार जो है एक चेन ऊपर से हम नया फंदा निकालते जाएंगे। तो इस तरह से हमारे पांच चेन के नीचे से हमने पांच फंदे निकाल लिए। अब ये चेन वाला भी फंदा हम बुन लेंगे सीधा। अब ये देखिए जो पांच फंदे हमने निकाले, सबसे लास्ट वाले फंदे को पहले इस तरह से हम ऊपर से लाएंगे और ऐसे ड्रॉप करेंगे। एक फंदा हो गया, ये दो, फिर ये तीन, फिर ये चार और फिर ये पांच। पांच फंदे हमने जो एक्स्ट्रा निकाले थे सो पांच फंदे को हमने वापस से ड्रॉप कर दिए, वापस हमारे ये चेन वाले फंदे एक जो है वो रह गए। धागा आगे करेंगे, पांच फंदा उल्टा बुनेंगे, 1 2 3 4 और ये पांच। धागा पीछे करेंगे और ये देखिए ये जो चेन है हमारे चेन वाले फंदे उसे पांच फंदे नीचे पांच चेन जो है उसके नीचे जाएंगे, 1 2 3 4 और ये पांचवा चेन में। यहां पर निडिल डालकर एक फंदा हम निकालेंगे, फिर से उसके ऊपर वाले चेन में डालेंगे, दूसरा फंदा निकालेंगे, फिर उसके ऊपर वाले चेन में जाएंगे, तीसरा फंदा निकालेंगे, फिर ये चौथा फंदा और ये पांचवा फंदा। ये पांच फंदा निकल गए वापस से, फिर हमारे ये जो फंदे हैं उसे भी हम सीधा बुन लेंगे। अब जो पांच फंदे एक्स्ट्रा हैं उनमें से हम स्टार्ट करेंगे सबसे लास्ट वाले फंदे से, ऊपर से ऐसे ड्रॉप करेंगे एक फंदा, उसके बाद वाला फंदा, उसके बाद वाला फंदा, ये तीसरा फंदा है हमारा, फिर ये चौथा और फिर ये पांचवा। देखिए पांच फंदे निकल गए, इस तरह से हमारा एक पत्ता जैसा दिख रहा है। इसी तरह से हम इस लाइन को कंप्लीट कर लेंगे, उल्टे फंदे में उल्टा बनाएंगे और ये चेन वाले फंदे में हम ये पत्ती का शेप बनाएंगे। तो इस तरह से हम ये 20
ये पत्ता बनाते हुए हमने इस लाइन को कंप्लीट कर लिया। अब हम उल्टी साइड में आते हैं और उल्टी साइड में हम सारे फंदे उल्टा उल्टा बुनकर हम कंप्लीट करेंगे। जितने भी फंदे हैं सारे फंदे को हम उल्टा उल्टा बुन लेंगे। ये देखिए टोटल हमारी जो है 24 रोज कंप्लीट हो गई, जिसमें 8 लाइन हमारी जो पर्ल वाली ये फर्स्ट कलर से आई और ये सेकंड कलर से 4 लाइन आई पर्ल वाली। ये इतना कंप्लीट होने के बाद आगे का प्रोसेस देखिए। पहले हम जो है यहाँ पर सारे यहाँ से एक पहला फंदा स्लिप किए, धागा आगे किए और 25 फंदे को हम उल्टा बुन लेंगे। 24 फंदे को, एक फंदे हमने ये एक्स्ट्रा वाले लिए हैं, 25 फंदे टोटल हम जो है 25 फंदे राइट वाले निडिल पर बुनकर ले आएंगे। एक बार हम चेक कर लेते हैं। देखें मैं टोटल जो है 25 फंदे वे यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 2 24 एंड 25, ये तीन फंदे हमने ज़्यादा बुन लिए। तो इसे हम पहले खोल लेते हैं और वापस हम लेफ्ट वाले निडिल पर ले लेते हैं। तो यहाँ पर से हमारे 25 फंदे हो गए। अब धागा आगे ही रहने देंगे और यहाँ से हम दो दो फंदे एक साथ बुनेंगे, एक और लास्ट के 25 फंदे रहने तक। आप चाहे तो यहाँ पर मार्कर भी लगा सकते हैं ये 25 फंदे के बाद। तो टोटल जो है इसमें हमारे 80 फंदे हैं। 80 फंदे में हम 25 50 फंदे हुए और 50 के बाद ये जो 30 फंदे हमारे रेस्ट बीच में बचते हैं, इन्हीं 30 फंदे को हम दो फंदों का एक फंदा करते हुए बुनेंगे हम। आप जितने भी फंदे डालेंगे उसको इस तरह से ही डिवाइड करेंगे। एक बार मैं देख लेती हूँ उधर से हमारे कितने फंदे बचे हैं। मेरे इधर भी जो है 25 फंदे ही चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 2 24 एंड 25। इधर हमारे तीन फंदे और बचते हैं तो दो फंदे तो पहले हम एक साथ बुन ही लेंगे और ये एक फंदा हमारा बच जाता है तो कोई बात नहीं, इसे भी हम एक फंदा अकेला बुन लेंगे। अब बाकी के फंदे को इधर एक एक फंदे नॉर्मल जैसे बुनते हैं वैसे हम बुन लेंगे उल्टा उल्टा। और उल्टी साइड से हम सारे फंदे उल्टे बुन लेंगे। उल्टी साइड में हमें कोई भी फंदे घटाने या बढ़ाने नहीं है। तो ये फंदे ये लाइन कंप्लीट करूंगी और उल्टी साइड वाली लाइन में कंप्लीट कर लेती हूँ। उल्टी साइड से भी हमने उल्टा बुनकर कंप्लीट कर लिया। अब आते हैं फिर से सीधे साइड में। पहला फंदा स्लिप करेंगे और यहां से फिर हम 24 फंदे जो हैं उल्टा उल्टा बुन लेंगे। अब एक बार मैं चेक कर लेती हूँ, देख लूँ मेरा 25 फंदे हुए हैं या नहीं। यहाँ तक ही होना चाहिए बुनाई के हिसाब से, फिर भी मैं एक बार देख लेती हूँ। तो 12 2 24 एंड 25। अब यहाँ से फिर हम दो दो फंदे एक साथ बुनेंगे लास्ट के 25 फंदे रहने तक।
एक बार मैं चेक कर लेती हूँ, लगता है एक बार हमें और बनाना चाहिए। और इधर जो है 25 फंदे देख लेती हूँ है या नहीं। यहाँ तक हमारा 25 फंदा आता है। वन टाइम्स एक बार और हम दो फंदे एक साथ बुन लेंगे। बाकी के फंदे को फिर हम एक एक फंदे जैसे बनाते हैं वैसे ही उल्टा उल्टा बुन लेंगे, और उल्टी साइड से हम फिर उल्टा ही सारे फंदे बुन लेंगे। हम आ जाते हैं सीधी साइड में। अब सीधी साइड से देखिए क्या करना है, जितने भी फंदे हैं हमारे इसमें जो है 57 फंदे हैं। अब जिसमें यहाँ पर बीच में घटाने के बाद हमारे पास 57 फंदे रह गए हैं। इन 57 फंदे को जो है हम उल्टी उल्टी बुनाई करेंगे, 6 लाइन दोनों साइड से उल्टे उल्टे बुनेंगे हम, सीधी से भी और उल्टे से भी। दोनों साइड से हम 6 लाइन पहले बुनाई कर लेते हैं। सिक्स लाइन कंप्लीट करने के बाद अब हम राइट साइड में हैं। ये देखिए इस तरह से। अब हम देखिए आगे का, अब हम सारे फंदे को बाइंड ऑफ करेंगे इस तरह से। देखिए आप जैसे भी करते हो कर सकते हैं, बट मैं इस तरह से करती हूँ क्योंकि यहाँ पर थोड़े से मैं लूज लूज फंदे बंद करने होंगे। इस तरह से दो फंदे एक साथ, वापस हमने फंदे को डाल दिया उस पर, फिर दो फंदे एक साथ वापस से इस पर डाला, फिर दो फंदे एक साथ वापस से इस पर डाला। ये जो है फंदे बहुत लूज और बहुत टाइट भी नहीं रखने। आप एकदम मीडियम में जैसे आप नॉर्मल हाथ रखते हैं वैसे आप फंदे को बंद करेंगे। इस तरह से दो फंदे एक साथ वापस से इसे डाला, दो फंदे एक साथ, वो भी देखिए मैं बैक लूप से इसे दो फंदे एक साथ बना रही हूँ। इस तरह से दो फंदे, ये जब दो फंदे एक साथ बुनते हुए हम जब बीच में आते हैं, ये 7 फंदों पर जो फंदे हमारे बीच में बचे हैं दो फंदे एक साथ करने के बाद, इन 7 फंदों को जो है आप टाइट टाइट हाथ से बाइंड ऑफ कर सकते हैं आप, ताकि अच्छी शेप वहां पर बनकर निकले। देखिए बीच के फंदे में हम दो फंदे एक साथ बुने, थोड़े से हमने धागे को खींच लिया टाइट हाथ से, दो फंदा एक साथ। ये फंदे को हमने थोड़ा भी खींचकर बड़ा नहीं किया है, वापस से हम इस लेफ्ट वाले नीडल पर डालेंगे, दो फंदे एक साथ थोड़ा सा खींचेंगे, मतलब टाइट, थोड़ी सी टाइट हाथ इसमें रखेंगे हम बीच में 7-8 फंदे पर। बाकी फिर हम नॉर्मल जैसे हम अभी किए हैं उसी तरह से हमें करना है। यहाँ पर देखिए सारे फंदे बंद कर दिए। अब मैं थोड़े से धागे लंबे रखकर मैं कट कर दूंगी यहाँ पर। अब जो है स्टिच करनी है। ये देखिए बनने के बाद ये इस तरह से शेप बनकर निकला है। मैंने दो कलर में बनाया है, आप चाहे तो एक कलर में ही पूरा बना सकते हैं। अब देखिए ये इस तरह से हम रखेंगे उल्टी साइड से, सीधी साइड हमारी है अंदर है, उल्टी साइड से रखेंगे। अब देखना है कि मैं स्टिच कैसे करना है, ऐसे करना है। और ये वाले जो हमारे ये दो पार्ट में हैं, ये देखिए इस तरह से, मैं थोड़ा सा जूम कर देती हूँ ताकि आप अच्छे से देख पाए। देखिए ये जो है इस तरह से आप फोल्ड करेंगे, इस तरह से। ये जो पॉइंट है हमारा, ये पॉइंट ही बना रहना चाहिए, और जितने चेन इधर हैं उतने ही चेन यहाँ पर, और इस तरह से मिलाना है। और देखिए इस तरह से, अब देख लेते हैं। मैंने इस तरह से नीडल में धागे डालकर रखे हैं, उसके बाद यहां से हम स्टार्ट करेंगे सिलना, ये टॉप पॉइंट से। यहां पर देखिए यहां से यहां तक हम रखेंगे जहां पर से हमारा डिवाइड हो जाता है,
दोनों पार्ट का। देखिए मैंने ये पॉइंट तक स्टिच कर लिए हैं। अब हमें जो है दूसरी साइड से भी इसी तरह से स्टिच करना है, क्योंकि हमें टो वाली चाहिए। तो ये वाले पॉइंट को भी हम इस तरह से देखें, ये और ये ऐसे मिलाएंगे। और धागा तो अभी अभी मेरा यहीं पर है, इसे इस तरह से इक्वल कर लेंगे और अच्छे से चेन मिलाकर हम ये चेन और ये चेन इस तरह से मिलाकर हम स्टिच कर लेंगे। देखिए इस तरह से, देखिए यहां पर हमारा इक्वल हो गया। अब यहां से यहां तक हम स्टिच करेंगे। ये देखिए यहाँ तक हमारा इस तरह से स्टिच हो गया। अब इस धागे को हम कट नहीं करेंगे और धीरे धीरे हम एक एक फंदे के बाद इस तरह से हम इसे आगे ले जाएंगे। देखिए इस तरह से करते हुए, और खूब टाइट से हमें खींचना नहीं है, हम यहाँ तक आएंगे। देखिए ये धागे को हम यहाँ से यहाँ तक ले आए। अब वापस से यहाँ इस तरह से हम दोनों को मिलाएंगे और यहां से यहां तक और यहां से ये कलर तक, जहां तक हमारा फर्स्ट कलर है वहां तक स्टिच करेंगे हम। यहां तक देखिए मैंने फर्स्ट कलर तक स्टिच कर लिया। यहां पर ये धागा रह गया है। अब इधर से ये जो धागे हमने छोड़े थे, इन्हीं धागों में निडिल में डालेंगे इन धागों को। और यहां से हम देखिए इस तरह से, यहाँ पर पहले हम एक नॉट डालेंगे और यहां से यहां तक इसके अपनी कलर में हम स्टिच कर लेंगे। देखिए लास्ट यहाँ तक स्टिच करने के बाद ये वाले धागे जो हमारे यहाँ पर रह गए थे फर्स्ट कलर वाले, और ये धागे दोनों को मिलाकर हम एक नॉट दे देंगे ताकि ये खुले नहीं, और यहाँ से हम कट कर देंगे। देखिए इस तरह से हम कट करेंगे और जो इधर उधर छोटे छोटे हैं इसे भी कट कर देंगे और हम इसे पलट लेंगे। देखिए इस तरह से ये पलटने के बाद हमारा देखिए बनकर तैयार हो गया है। इसमें देखिए ये टो वाली है, जो ज्यादातर लेडीज ये टो वाले ही पसंद करते हैं। देखिए इस तरह से इसमें फिंगर डालेंगे और देखिए ये नीचे से इस तरह से इसमें तले रहेंगे और यहां से हम पर डालकर इसे पहनेंगे। तो बनाइए, शेयर कीजिए, बनाकर आप ठंड में पहनिए। लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।